नमस्कार, आप देख रहे हैं अंदेशक न्यूज। अंदेशक शिक्षक 20 को आ सकता है फैसला। मानदेय 17,000 को लेकर फैसले की ऐतिहासिक घड़ी। आज हम इस समाचार के माध्यम से आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि किस तरीके से पूरी बहस हुई है। लगातार माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद में केस की सुनवाई हुई और डेट मिली है 20 की। आप देख सकते हो ये कोर्ट का आदेश है। शुरू करते हैं आज की खास रिपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर विस्तार से। अन्वेषक मानदेय 17,000 को लेकर आ सकता है 20 मई को डबल बेंच का ऑर्डर। अन्वेषक मसीहा डॉक्टर एपी सिंह की खास प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली से शामिल होंगे ऑनलाइन। 20 मई को हाईकोर्ट केस में कोर्ट ने दी इजाजत। अन्वेषकों ने दी मृतक अन्वेषक और उसकी मां को विनम्र श्रद्धांजलि। आप समस्त गुणीजनों को अन्वेषक न्यूज का सादर प्रणाम। साथियों, यहां पर बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ हम हाजिर हैं आज की ये खास रिपोर्ट लेकर। साथ उत्तर प्रदेश उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत लगभग 27,555 से अधिक अन्वेषकों का मानदेय 17,000 रुपये प्रतिमास देने के एकल जज के निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार की अपीलों पर बुधवार को भी सुनवाई जारी रही। प्रदेश सरकार ने मामले में लखनऊ, इलाहाबाद हाईकोर्ट दोनों जगह अपीलें दाखिल कर रखी हैं। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वहां के वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्रा तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि अन्वेषकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गई है और ऐसे में संविदा में दी गई शर्तें और मानदेय उन पर लागू होगा। कहा कि केंद्र सरकार ने इस मद में आवश्यकता अनुसार पैसा राज्य सरकार को अपने अंश का नहीं दिया है, ऐसे में सरकार अपने स्तर से अन्वेषकों के मानदेय का भुगतान कर रही है। आज अन्वेषकों की तरफ से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति जे जे मुनीर जी की खंडपीठ के समक्ष बहस की गई। अन्वेषकों की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार ने अपनी योजना के तहत परिषदीय विद्यालयों की उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अन्वेषकों का मानदेय 2017 में 17,000 रुपये कर दिया था, लेकिन अब तक नहीं दिया गया। कहा यह भी गया कि केंद्र सरकार द्वारा पैसा रिलीज करने के बावजूद उनको 17,000 की दर से पैसा नहीं दिया जा रहा है, जो गलत है। समय अभाव के कारण सरकार के इन अपीलों पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट अब 20 मई को इस मामले पर सुनवाई करेगा। साथ अन्वेषक लीडर विक्रम सिंह जी के द्वारा इलाहाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर एपी सिंह जी सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे और उन्होंने कहा, राज्य सरकार को त्वरित निर्णय लेते हुए अन्वेषकों की लगातार तेजी से हो रही आत्महत्याओं को रोका जाना चाहिए। आर्थिक तंगी की वजह से मौतें किसी भी प्रदेश सरकार के लिए अत्यंत ही शोचनीय विषय है। फिर डबल इंजन की सरकार का क्या महत्व रह जाएगा? उक्त विषय विचार अन्वेषकों की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में पक्ष रख रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर एपी सिंह प्रेस क्लब इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में अन्वेषक संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले आयोजित पत्रकार वार्ता में क्षोभ व्यक्त कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अन्वेषकों को 17,000 रुपये महामानदेय दिए जाने को लेकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की सिंगल बेंच के फैसले को राज्य सरकार ने विशेष अपील में चुनौती दी थी। राज्य सरकार की विशेष अपील माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की विशेष खंडपीठ के समक्ष विशेष सुनवाई गतिमान है। प्रदेश के 27,555 अन्वेषक शिक्षकों की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली से भारत के जाने माने वकीलों में शुमार डॉक्टर एपी सिंह अन्वेषकों की तरफ से मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष अन्वेषकों का पक्ष रख रहे हैं। शासन की दोषपूर्ण नीतियों के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे अन्वेषक आत्महत्या करने पर आमादा हैं। विदित है कि 12 मई को मामले की सुनवाई के लिए अन्वेषकों की तरफ से वकील डॉक्टर एपी सिंह साहब ने मुख्य न्यायाधीश की बेंच में समक्ष मेंशनिंग करके जल्दी सुनवाई
करने की गुहार लगाई थी, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने अपहरण 12 बजे और सभी मुकदमों को दरकिनार कर अन्वेषकों के मुकदमे की सुनवाई की थी। माननीय न्यायाधीश का समस्त अन्वेषक परिवार आभार व्यक्त कर रहा है। लगभग 1 घंटे 20 मिनट की जिरह के बाद छोटी तारीख दिए जाने पर वकील डॉक्टर एपी सिंह के आग्रह पर 16 तारीख के लिए 11 बजे से 1:15 तक मामले को सुना गया। अब अगली सुनवाई 18 को हुई थी मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष। प्रख्यात वकील डॉक्टर एपी सिंह साहब ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि अन्वेषकों को 17,000 मानदेय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी 2017 में 17,000 मानदेय देने का आदेश पारित कर दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र के इस आदेश को अंगूठा दिखाया। प्रेस क्लब इलाहाबाद में आयोजित पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश अन्वेषक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में अब तक 20 अन्वेषक आत्महत्या कर चुके हैं। राज्य सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। गौरतलब है कि प्रदेश के 27,555 पीटीआई टीचरों का मानदेय 2017 में केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिए थे, जिसको यूपी सरकार ने लागू नहीं किया। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर अन्वेषकों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश चौहान की सिंगल बेंच ने टीचरों को 2017 से 17,000 मानदेय 9% ब्याज के साथ देने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार विशेष अपील दाखिल की थी। इसी अपील में अन्वेषक शिक्षकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर एपी सिंह साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। स्वर्गीय प्रमोद सोनी अन्वेषक और उनकी माता निवासी कुआखोसी महरौनी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश के द्वारा आर्थिक तंगी की वजह से फांसी लगाकर की गई आत्महत्या वाली हृदय विदारक घटना पर शोक व्यक्त किया गया एवं उनके चित्र पर सभी अतिथियों द्वारा अश्रुपूरित नेत्रों से विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। उक्त समय पर वीरेश त्रिपाठी, आशुतोष शुक्ला, सत्येंद्र सिंह, भोलानाथ पांडे, रणजय सिंह, दिलीप एवं टिंकू आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। तो साथियों, ये थी आज की खास रिपोर्ट। कल लेकर हाजिर हैं हम ब्रेकिंग न्यूज़, समान कार्य समान बेहतर, अनुदेशक जिंदा है स्पेशल रिपोर्ट। कल आप 20 मई को मेरे साथ जानेंगे अनुदेशक जिंदा है का राज। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड नियमों का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, अनुदेशक एकता, जिंदाबाद।